डोईवाला की बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ग्यारोला आज पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन डोईवाला की जो है द्वारा आयोजित धन्यवाद उद्बोधन में यहाँ पर पहुंचे, जहाँ पर पूर्व सैनिकों के यहाँ पर साथ ही ग्रामीण जनता का भी आभार जताते हुए सभी को धन्यवाद दिया। डोईवाला विधानसभा में यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ग्यारोला पूर्व सैनिकों क्षेत्र में लोगों के यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए उनके कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि यहाँ पर बुल्लावाला में यहाँ पर आयोजित पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन डोईवाला के धन्यवाद समारोह में यहाँ पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजकुमार बुल्लावाला के यहाँ पर बीजेपी नेता और साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह बाबू और तमाम पूर्व सैनिकों ने यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ग्यारोला ने सभी पूर्व सैनिकों का धन्यवाद आभार जताया और कहा कि पूर्व सैनिकों की यहाँ पर जो भी यहाँ पर समस्याएं उनके संज्ञान में लाई जाएंगे, तत्परता से उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जो जनता ने हमें इतना प्यार दिया और इतनी प्रचंड बहुमत से जो हमें जिताया, सिर्फ एक धन्यवाद जो है उद्बोधन समारोह था माननीय विधायक जी के द्वारा, और इसमें कुछ जो ग्रामवासियों की समस्याएं हैं वो भी हमने जो है माननीय विधायक जी के सामने प्रस्तुत की। हमें माननीय विधायक जी से पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास भी है कि उन समस्याओं पर जल्द से जल्द जो है निराकरण होगा। पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ गांव में बुल्लावाला में, और पूर्व सैनिकों का आदरणीय मातृशक्ति का और गांव के सभी लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, विधानसभा का सदस्य बनाया, भारी मतों से जितवाया है। और मैंने जनता से चुनाव से पहले भी कहा था मैं जो भी मेरे लिए काम होगा, डेवलपमेंट का होगा, विकास का जो भी होगा, उसको मैं पूरा करूँगा। और अभी यहाँ पर 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक हो गए सेमवाल जी के नाम पर स्मृति द्वार की यहाँ पे पूर्व सैनिकों ने मेरे से कहा है, तो निश्चित तौर पर मैं स्मृति द्वार यहाँ पे बनाऊंगा। इसके अलावा